अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोया और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। इस शो में देखते हैं आप हमेशा की तरह बहुत से इंटरेस्टिंग स्किट्स और सेगमेंट्स। आज के शो में आप देख सकेंगे, हुक्म दिया जाता है हज़रत नवाज शरीफ को खड़ा होने के लिए जगह दी जाए। नहीं मौलाना, अब मैं खड़ा होने नहीं आया। तो फिर लेट जाए, तबीयत ज्यादा खराब है तो आ जाए। आ जाए, मैं आपको ही लेने आया। पहचाना आपने मुझे? पता नहीं पुत्र, 30 साल की कैद काट के बाहर आया हूँ। Oh no! मुझे तो अपना नाम याद नहीं। ये लो मेरी प्यारी अवाम, आप इस मछली को भून कर खाओ मसाले लगा कर, इससे तुम्हारी भूख दूर हो जाएगी। डाकू साहब, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप मेरा चेकअप तो कर लें। ओए, तुम्हें शर्म नहीं आती? Oh no! डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और तुम बीमार हो गए। वैसे जब आप पंजाब के वजीर आला थे तब तो आप वहाँ भी पहुँच जाते थे जहाँ इंसान की सोच भी नहीं पहुँच सकती, लेकिन जब से ऑपोजिशन में आए हैं तब से आप कहीं पहुँच ही नहीं पाते। ये लड्डू तो फीका है, आपने तो कहा था कि मुँह मीठा कराएंगे। अरे तुम नकली लड्डू तो लेकर नहीं आ गए जिसमें हमने चूहे मार दवाई मिलाई थी? मौलाना साहब, आपने मुझे चूहे मार लड्डू खिलाया? ओ वजीर आला साहब, हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला और जिसने अपना गांव बेचा हो। तुम लोग हो ही नाइल, 2 माह हो गए हैं, तुम लोग एक भी गांव बेचने वाला नहीं ढूंढ सके। गांव बेचने वाला क्या मतलब बुजदार साहब? भारत की रियासत मणिपुर ने नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों से तंग आकर भारत से अलहदा होने का ऐलान कर दिया। हमने तो नरेंद्र मोदी को पहले ही कह दिया था कि जम्मू कश्मीर पर कब्जा करोगे तो भारत के इतने टुकड़े होंगे कि गिन भी ना पाओगे। इस बात का पहला और हतमी नतीजा मौसूल भी हो गया है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आइए देखते हैं कि शहंशाह तब्दीली के दरबार में किसको पेश किया जा रहा है। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, शहंशाह आजादी मां सुल्तान सियासत फातेह इस्लामाबाद बादशाह सलामत मौलाना फजलुर रहमान तशरीफ ला रहे हैं। ठीक है, मैं पहली बार बादशाह बना हूँ, लेकिन मुझे सब पता है। आपने मुझे ऐसे क्यों नहीं किया? माफी चाहता हूँ बादशाह सलामत, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, आप ऐसा करें दोबारा वापस आ जाएं। शुरू करें। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। वाह मौलाना साहब, क्या दहशत है आपकी। इधर आपने इस्लामाबाद में कदम रख के, उधर इमरान खान ने अपना जूते भी तब्दील नहीं किए, वो बाथरूम की चप्पल पे नहीं भाग गया। हजरत मौलाना साहब की दहशत से तो डेंगी मच्छर तक इस्लामाबाद छोड़कर भाग गए थे। इमरान खान क्या चीज है? वो डेंगी मच्छर को छोड़िए, वो पूरे इस्लामाबाद में वो टिड्डियां बिल्लियां और मक्खियां भी मौलाना साहब को देख कर गायब हो गई। हद्द-ए-अदब, क्या मतलब मक्खियां गायब हो गई? क्या हम हलवे पर बैठी हुई सारी मक्खियां खाने में खा जाते हैं? लगता है कोई फरियादी आया है। हमारे दरबार में पहले फरियादी का इस्तकबाल किया जाए। पहला फरियादी हाजिर हो। अस्सलाम
آپ ہمارے دربار کے پہلے فریادی ہیں، آپ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضرت میاں نواز شریف صاحب، آزادی مارچ کے نتیجے میں جیل سے رہائی مبارک ہو۔ حکم دیا جاتا ہے حضرت نواز شریف کو کھڑا ہونے کے لیے جگہ دی جائے۔ نہیں مولانا، اب میں کھڑا ہونے نہیں آیا۔ تو پھر لیٹ جائے، طبیعت زیادہ خراب ہے تو۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنا تخت واپس لینے آیا ہوں۔ تخت واپس لینے آئے ہیں؟ کب دیا تھا آپ نے ہمیں؟ مولانا صاحب، اتنے بھولے نہ بنے، یہ تخت جس پر آپ دولہا بنے بیٹھے یہ میرا ہے، مجھ سے عمران خان نے چھین لیا تھا، اس سے آپ نے چھین لیا، اس پر بیٹھنے کا حق صرف مجھے ہے۔ وہ کیوں؟ اس تخت جو ہے وہ آپ کے خون سے میچ کرتے؟ حد ادب، یہ بادشاہ کا تخت ہے، کسی فرنیچر کی دکان پر پڑا ہوا صوفہ نہیں جس کا دل چاہا بیٹھ گیا۔ کوئی ہے جو اس گستاخ کا منہ بند کرے جس کی نظر ہمارے تخت پر ہے؟ حضرت مولانا صاحب، تخت پر نظر ہے تو نظر بند کروائیں، صرف منہ بند کروانے سے کیا ہوگا؟ میرا تخت واپس دے دو مولانا، ورنہ میں لانگ مارچ شروع کر دوں گا کہ تم نے آزادی مارچ میں دھاندلی کی ہے۔ اور کیا دھاندلی کی ہے؟ مولانا صاحب نے آزادی مارچ میں لوگوں کو وہ ڈڈو بریانی کھلا دی تھی کیا؟ ہم نے یہ بڑی محنت اور سازشوں سے، میرا مطلب ہے سیاست سے، اس بادشاہت کو حاصل کیا ہے، ہم آپ کو اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے۔ حضرت مولانا صاحب، میرا ایک حقیر سا مشورہ ہے کہ میاں نواز شریف کے پاناما اور اکامہ کے مقدمات دوبارہ کھول دیے جائیں۔ بالکل ٹھیک کا، آزاد میاں نواز شریف حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ مولانا، پاناما اکامہ جیل؟ مولانا صاحب، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ تو میرے اتحادی تھے۔ حضرت نواز شریف، بادشاہ کسی کا اتحادی نہیں ہوتا، حکم دیا جاتا ہے حضرت نواز شریف کو پاناما اور اکامہ کے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا جائے۔ چھوڑو مجھے، ایک تو میرا تخت چھین لیا، اوپر سے مقدمے بنوا دیو۔ مولانا، دیکھ لینا مریم تمہارے خلاف ٹویٹ کرے گی، میں عمران خان کے ساتھ اتحاد کر کے تمہاری حکومت گرا دوں گا۔ چھوڑ دو مجھے، او مجھے چھوڑ دو، او مجھے چھوڑ، او چھوڑ دو مجھے، او مجھے چھوڑ دو، چھوڑ دو مجھے، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ عمران خان، کہاں تم؟ آؤ مل کر مولانا کی حکومت گراتے ہیں۔ لگتا ہے یہ خواب تھا، لیکن اگر یہ خواب سچ ہو گیا تو مریم 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 مریم۔ خبر ہے کہ آئی ایم ایف نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اب حکومت کی کرنیاں عوام کو بھگتنی تو پڑیں گی۔ ویسے جس حساب سے آئی ایم ایف والے پاکستان میں مہنگائی کرواتے جا رہے ہیں، غریب تو سڑک پر آ ہی گئے تھے، امیر بھی زیادہ دیر تک بچ نہیں پائیں گے۔ پاکستان میں طاقتور اور کمزور آدمی کے لیے قانون کی سزائیں مختلف کیوں ہیں؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس پر ایک سکیچ۔ غریب آدمی جرم کرے تو اسے سزا کچھ اس قسم کی ہوتی ہے۔ آ جائیں، میں آپ کو ہی لینے آیا، پہچانا آپ نے مجھے؟ پتا نہیں پتر، 30 سال کی قید کاٹ کے باہر آیا ہوں۔ Oh no! مجھے تو اپنا نام یاد نہیں، تمہیں کیسے پہچانتا ہوں؟ بس اتنا یاد ہے مجھ پہ بکری چوری کرنے کا کیس تھا۔ بکری چوری؟
बकरी चोरी के जुर्म में 30 साल? तौबा है, क्या हो गया हमारे निजाम को? दादाजी मैं आपके दूर का पोता हूँ। oh, no. मेरा मतलब कि मेरे दादाजी आपके दोस्त थे। आए मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, चलें चलें। चल पुत्र। अगर कोई ताकतवर जुर्म करे तो उसे सजा कुछ इस किस्म की होती है। ओए भाई जान, मुबारक हो, आपकी सजा माफ हो गई। सजा कैसे ना माफ होती, एक कत्ल ही किया था, कौन सा इतना बड़ा जुर्म किया था, ओ मैंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। ओ भाई साहब, अब मक्तूल के भाई को 50 लाख रुपया देकर और केस वापस करवाया। 50 लाख दिए और फिर भी 4 महीने जेल काटी है। ओ शुक्र करो वो मान गया, चलो अब घर चले। और वैसे जेल भी तो आपको घर जैसी थी, और फ्रिज था, टीवी था, एसी था, खाने थे, और घर जैसे तो था। हैं? ये लो मेरी प्यारी आवाम, आप इस मछली को भून कर खाओ मसाले लगा कर, इससे तुम्हारी भूख दूर हो जाएगी। डाकू साहब माफ कीजिएगा, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप मेरा चेकअप तो कर लें। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती? ओह नो, डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और तुम बीमार हो गए। वैसे जब आप पंजाब के वजीर आला थे तब तो आप वहाँ भी पहुँच जाते थे जहाँ इंसान की सोच भी नहीं पहुँच सकती, लेकिन जब से ऑपोजिशन में आए हैं तब से आप कहीं पहुँच ही नहीं पाते। ये लड्डू तो फीका है, आपने तो कहा था कि मुँह मीठा कराएंगे। अरे तुम नकली लड्डू तो लेकर नहीं आ गए, जिसमें हमने चूहे मार दवाई है मिलाई थी। मौलाना साहब आपने मुझे चूहे मार लड्डू खिलाया। ओ वजीर आला साहब, हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला ओ जिसने अपना गाँव बेचा हो। तुम लोग हो ही नाइल, तो 2 माह हो गए हैं, तुम लोग एक भी गांव बेचने वाला नहीं ढूंढ सके। गांव बेचने वाला क्या मतलब बुज़दार साहब? खबर है कि काबीना इजलास में फिरदौस आशिकवान साहिबा ने वजीर आजम को साथी बुजरा की खूब शिकायतें लगाई हैं। जाहिर है सिंफे नाजुक हो और लोगों की शिकायतें ना लगाए, अब ये तो इंसानियत में जायज ही नहीं है। वैसे खावतीन के पेट में ज्यादा देर तक बात रहे ना तो उन्हें बदहजमी भी हो सकती है। ऐसी खातून कहती है कि राज की बातें वो लीक नहीं करती, लीक तो वो करती हैं जिन्हें वो कोई खुफिया राज बता देती है। आइए देखते हैं एक्सकेप। हाय हाय मर गया, अब भूख से अंतरिया भी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रही है। और लंगरखाना भी इतनी दूर है कि पैदल जाया भी नहीं जा सकता। हाय 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 हाय। अरे अरे क्या हुआ मेरी आवाम, किसी ने लूट लिया क्या? जी हाँ साहब, और तब्दीली ने तो लूट लिया। oh, no! 2 दिन से भूखा हूँ। आए जे में सूखी रोटी सूंघने के भी पैसे नहीं है। हाँ साहब, मेरा वोट ही मुझे वापस कर दे, उसे बेच कर 2 रोटियां खरीद लूंगा। हमारी आवाम भी बड़ी ने शुक्रिया है। अरे खान साहब ने इतने लंगर खाने खोले हैं, जाए जाकर वहां रोटी खाए जाए। और कैसे जाऊं, और मेरे पास तो वहां जाने तक का किराया भी नहीं है। ओहो खटकता है, मैं अभी आवाम का मसला हल करता हूँ। ये लो मेरी प्यारी आवाम, आप इस मछली को भून कर खाओ मसाले लगा कर, इससे तुम्हारी भूख दूर हो जाएगी। चला खड़क साहब। हाय हाय, उठो। खान साहब ये आप क्या कर रहे हैं? आवाम भूखी है,
मैं इनके खाने के लिए मछली पकड़ रहा। ये आपका काम नहीं है, आवाम को खुद मछली पकड़ना सिखाएं, ने रोजगार के मौके दें ताकि ये अपनी रोजी खुद कमा सके। Oh, no! अब कब तक इनके मुंह में लुकमे डालते रहेंगे? मुद्दत बाद किसी ने खान साहब को अकल की बात बताई है। वैसे बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। चलो मेरी प्यारी माम, आज से तुम खुद अपनी मछली पकड़ो और अपनी भूख मिटाओ। चलो घर का। ओ शब्बर जैदी साहब, आप तो बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं, ये छोटी मछलियों के पास आप क्या कर रहे हैं? बड़ी हो या छोटी मछली, मैं किसी को नहीं छोड़ता। इन सब पे सेल टैक्स, इनकम टैक्स और साइज ड्यूटी डालकर कुल बनते हैं 5,000। 2,000 रुपये की मछलियाँ नहीं और टैक्स 5,000 रुपये, और मेरी जेब में तो एक पैसा नहीं है और सिर्फ ये मछलियाँ हैं। ठीक है फिर, टैक्स की मात में ये मैं मछलियाँ रख लेता हूँ, बाकी के 3,000 रुपये कल लेने आ जाऊँगा। कुछ दिन पहले इंटरनेट सबमरीन केबल्स के इशू की वजह से पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद रहा। मुल्क भर के नौजवानों ने वो दिन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गुजारा और अपने वालिदैन को हैरान कर दिया। नौजवानों के वालिदैन की हैरत तो उस वक्त दूर हुई जब उन्हें ये मालूम हुआ कि इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। उस दिन कुछ वालिदैन तो इंटरनेट की मुस्तकिल खराबी की दुआएं करते हुए भी पाए गए। यंग डॉक्टर्स किन शराइत पर हड़ताल करते हैं, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो। डॉक्टरों के मोबाइल पर नेट पैकेट दो, डॉक्टरों के मोबाइल पर नेट पैकेट दो, डॉक्टरों के मोबाइल पर नेट पैकेट दो। मरीजों की पिटाई की इजाजत दो, मरीजों की पिटाई की इजाजत दो। डाकू साहब माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप मेरा चेकअप तो कर लें। ओए तुम्हें शर्म नहीं आती? Oh, no! डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है और तुम बीमार हो गए। और मैं कौन सा अपनी मर्जी से बीमार हूँ जी, और मुझे तो आज पता चला है कि बीमार होना कितना शर्मनाक काम है। ओए बीमार होना कोई शर्मनाक काम नहीं है, हमें तो बड़ी खुशी होती है जब कोई बीमार होता है। मेरा मतलब है डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान बीमार होना शर्मनाक। ओए आपकी मेहरबानी, आप मुझे चेक कर लें, मैं आपको दुआएं दूंगा। मरीज बनो भिखारी ना बनो, दुआएं दूंगा। आप लोग हड़ताल पर हैं तो फिर इस मरीज का क्यों इलाज हो रहा है? ओए वो प्राइवेट मरीज है, 2,000 रुपये फीस देकर इलाज करा रहा है। प्राइवेट मरीज, तो फिर मुझे भी प्राइवेट चेक कर लें, मैं आपको 3,000 रुपया देता हूँ। ये ले जी 3,000 रुपये। 3,000? आ जाएं आप सर, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं सर। एक और प्राइवेट मरीज आया, पूरे 3,000 रुपये फीस दी है, दो आपके और एक मेरा। 3,000 फीस, इसका इलाज पहले हो। उठो भाई उठो। हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात पूरे करो, हमारे मुतालबात। वैसे जब आप पंजाब के वजीर आला थे तब तो आप वहां भी पहुंच जाते थे जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन जब से ऑपोजिशन में आए हैं तब से आप कहीं पहुंच ही नहीं पाते। ये लड्डू तो फीका है, आपने तो कहा था कि मुंह मीठा करेंगे। अरे तुम नकली लड्डू तो लेकर नहीं आ गए जिसमें हमने चूहे मार दवाई मिलाई थी? मौलाना साहब आपने मुझे चूहे मार लड्डू खिलाया। ओ वजीर आला साहब, हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला और जिसने अपना गांव बेचा हो। तुम लोग हो ही नाइल,
दो माह हो गए हैं, तुम लोग एक भी गांव बेचने वाला नहीं ढूंढ सके। गांव बेचने वाला क्या मतलब बुजदार साहब? खबर है कि लबनान के वजीर आजम ने मुजाहरों के बाद इस्तीफा दे दिया। वैसे अगर हमारे यहाँ भी मुजाहरों पर वजीर आजम के इस्तीफा देने का रुझान होता तो मैं हर दिन नया वजीर आजम रखना पड़ता। वैसे ये भी हो सकता है कि एक एक दिन में तीन तीन वजीर आजम तब्दील होते। लेकिन इस बात का एक फायदा जरूर होना था कि तमाम सियासतदानों को धरने के बाद वजीर आजम बनने का चांस जरूर मिल जाता। खादिम आला साहब, ये आप कहीं आ रहे हैं या जा रहे हैं? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, हम आ नहीं रहे बल्कि मौलाना के आजादी मार्च में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। आजादी मार्च इस्लामाबाद जाकर धरने में तब्दील हो चुका है, आपको शिरकत करना अब याद आया? क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, हमने बड़ी कोशिश की कि मौलाना से पहले इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन सड़कों पर ज्यादा रश होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। उल्टे कदमों चलेंगे ना तो जिंदगी भर नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे जब आप पंजाब के वजीर आला थे तब तो आप वहां भी पहुंच जाते थे जहां इंसान की सोच भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन जब से ऑपोजिशन में आए हैं तब से आप कहीं पहुंच ही नहीं पाते। असल में 10 साल तक पंजाब में काम कर करके बहुत थक गया, इसलिए मुझे उस वक्त तक रेस्ट की जरूरत है जब तक मैं दोबारा पंजाब का वजीर आला नहीं बन जाता। इसका मतलब तो ये है कि आपकी सारी की सारी जद्दोजहद वजारत आला से मशरूत है। वैसे मौलाना के आजादी मार्च का डायरेक्ट फायदा आपको ही होना है, आपने पकी पकाई खाने पहुंच जाना है। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो, मौलाना के आजादी मार्च में सबसे ज्यादा जद्दोजहद मैंने की है। आपने जद्दोजहद की है तो नजर क्यों नहीं आई? देखो लड़की, तुम्हारी नजर मेरा ख्याल है कि बहुत कमजोर है, वरना मैंने तो आजादी मार्च की हिमायत मौलाना के आजादी मार्च के ऐलान से पहले ही कर दी थी। वैसे शहबाज शरीफ साहब, ये तो बताइए क्या आजादी मार्च और धरने का कोई फायदा होगा भी या नहीं? आजादी मार्च का फायदा तो रिक्शा जानता है। रिक्शा जानता है मतलब? अभी मैंने कुछ देर पहले रिक्शा वाले से पूछा कि सदर जाएगा, वो बोला कि जिस तरह के हालात हैं मुझे तो लगता है कि वजीर आजम भी जाएगा। ऐसे बात तो बताइए शहबाज शरीफ साहब, आपके नजदीक इमरान खान का धरना जायज था तो ये धरना जायज कैसे हो गया? ये धरना इसलिए जायज है क्योंकि मोहब्बत और सियासत में सब जायज। अच्छा तो शहबाज शरीफ साहब, मियां साहब को 8 हफ्ते की जमानत मिली है, मजीद जमानत हासिल करने के लिए आपको बुज़दार साहब से राब्ता करना पड़ेगा। आप बस ये बता दें कि आप राब्ता करेंगे या नहीं? अगर पाजी ने इजाजत दी तो जरूर राब्ता करूंगा, बल्कि उस्मान बुज़दार की सुस्त ब्रांड की बैटरी निकाल कर खादिम आला की नई ब्रांड की बैटरी लगा के आ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, बोल बोल कर मेरी अपनी चार्जिंग कम हो गई है। आजादी मार्च लाइव देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे मेजबान का मुंह क्यों मीठा करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फजर अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव फ्रॉम आजादी मार्च। इस वक्त मैं आजादी मार्च के कंटेनर में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं आजादी मार्च के लीडर मौलाना फजलुर रहमान साहब। जी मौलाना साहब, ये आजादी मार्च कब तक जारी रहेगा? 73 के आईन के तनाजुर में ये आजादी मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान इस्तीफा देकर घर नहीं चले जाते। मौलाना साहब, ये मिसाइल बर्दार लोगों को तो यहाँ से हटाएं, मुझे जरा डर लग रहा है। घर मिसाइलों से लग रहा है या फिर हमारे मासूम कारकुनों से? दोनों से नहीं, मेरा मतलब है मिसाइल से, कहीं चल ही ना जाए ना। ये ऑटोमेटिक मिसाइल है, ये 500 के जाली नोट नहीं है जो ऐवे चल जाए। ये मिसाइल तब चलते हैं जब हमारे सामने बैठा हुआ शख्स दिल में हमारे खिलाफ सोचता है। मैं तो दिल में भी आपको दुआएं ही देती हूँ, कहीं चले ना जाए। हम मजाक कर रहे थे भाई, आप घबराएं मत, ये मिसाइल नहीं है,
ये आवाम को कंट्रोल करने वाले डंडे हैं। अच्छा मौलाना साहब ये बताएं, अगर खुदा ना ख्वास्ता आप वज़ीरे आज़म बन गए तो? खुदा ना ख्वास्ता नहीं, इंशाअल्लाह कहे इंशाअल्लाह। आपके मुंह में घी शक्कर। खुदा ना ख्वास्ता, अरे इंशाअल्लाह अगर आप वज़ीरे आज़म बन गए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? जब तक के आइन के तनाजुर में आपकी इस बात का जवाब अभी हम देते हैं, आप एक मिनट ठहरे, हम अभी आते हैं। ये देखें, ये शेरवानी हमने 15 साल पहले सिलवाई थी। जब हम वजीर आजम बनेंगे ना तो सबसे पहले यही शेरवानी पहनेंगे। अरे वाह मौलाना साहब, आपने तो शेरवानी भी सिलवा रखी है। वैसे आपको इतना यकीन है कि आपकी जमात आइंदा इलेक्शन में 3/4 अक्सरियत हासिल करेगी? यकीन तो नहीं है, मेरा मतलब है हम यकीनन 3/4 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं अगर सिर्फ 3 जमातें इलेक्शनों में हिस्सा ना ले तो। कौन सी वाली 3 जमातें? नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ। बकौल गालिब, हमको मालूम है आज़ादी मार्च की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। आपने तो गालिब के शेर में भी टेम्परिंग कर दी। मौलाना साहब ये टेम्परिंग मैंने आपके फायदे के लिए की है, क्या पता आप वज़ीरे आज़म बन ही जाएं। माशाल्लाह आप तो बातें ही बहुत अच्छी कर रही हैं। अरे भाई मोहतरमा का मुंह मीठा करवाओ, लड्डू लेकर आओ। मौलाना साहब रहने दें, मैं डाइटिंग पर हूँ, मीठा नहीं खाती। मोहतरमा डाइटिंग किस लिए? आप जैसी लड़कियाँ अगर तेज हवा चले तो ऐसे उड़ जाती है जैसे आंधी चले तो शॉपर उड़ जाते हैं। लाओ भाई लाओ जल्दी से। ले भाई लड्डू खा ले, नहीं तो फिर आया जे गौरी। मौलाना साहब ये लड्डू तो फीका है, आपने तो कहा था कि मुंह मीठा कराएंगे। अरे तुम नकली लड्डू तो लेकर नहीं आ गए जिसमें हमने चूहे मार दवाई है मिलाई थी? मौलाना साहब आपने मुझे चूहे मार लड्डू खिलाया। वो दरअसल हमारे किसी दुश्मन ने हमें तंग करने के लिए कंटेनर में चूहे छोड़ दिए थे। अरे आप बिल्कुल मत घबराएं, हमारे साथ डॉक्टर भी है। अरे भाई अरे डॉक्टर को लेकर आओ भाई, जल्दी लाओ। नाज़रीन मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, अब मुझे इजाजत है, अगर मैं जिंदा रही तो अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अरे ये पकड़ो। ओ वजीर आला साहब, हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला ओ जिसने अपना गांव बेचा हो। तुम लोग हो ही ना आयल, तो 2 माह हो गए हैं, तुम लोग एक भी गांव बेचने वाला नहीं ढूंढ सके। गांव बेचने वाला क्या मतलब बुजदार साहब? खबर है कि वजीर आजम साहब ने आजादी मार्च के दौरान वुजरा को इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद करते हुए कहा है कि वो मीडिया पर आजादी मार्च का भरपूर दिफा करें। वैसे वजीर आजम साहब अगर आपको महंगाई और बेरोजगारी पर अवाम की भी इतनी ही फिक्र होती तो आज आजादी मार्च पर आपको अवाम कहीं नजर ना आती। उस्मान गुजार साहब मुनाफा खोरों को पकड़ने के लिए क्या इकदाम अपना रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। उस्मान गुजार साहब पंजाब के हमेशा वही वजीर आला मशहूर हुए हैं जो सर के बालों से फारग थे। खान साहब ने मुझे गवर्नर बना दिया, हालांकि मैं वजारत आला के मेरिट पर पूरा उतरता था।
मेरिट पर तो मैं भी उतरना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरता हूँ तो नीचे कोई मेरिट बिछाता ही नहीं है। लगता है आप रेड कारपेट को मेरिट समझ रहे। मेरिट कौन कौन से रंगों में दस्तियाब है, और रेड कलर तो मुझे पसंद ही नहीं है। छोड़े, आपको किसने पूछना है आप मेरिट पर पूरा उतरे ना उतरे। खैर छोड़े, खान साहब ने आपको गिरा फरोश पकड़ने का हुक्म दिया था, ये बताएं कि कोई पकड़ा कि नहीं? मैंने पंजाब के सारे थानों से जराइम की लिस्टें मंगवा ली हैं, लेकिन इनमें एक बंदा भी ऐसा नहीं मिला जो गिरा फरोश हो। ओ वजीर आला साहब, हमें एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला और जिसने अपना गांव बेचा हो। तुम लोग हो ही नाइल, दो माह हो गए हैं, तुम लोग एक भी गांव बेचने वाला नहीं ढूंढ सके। गांव बेचने वाला क्या मतलब बुजदार साहब? गांव बेचने वाला मतलब गिरा फरोश। ओहो बुजदार साहब, गिरा फरोश गांव बेचने वाला नहीं है, गिरा फरोश नाजायज मुनाफा खोरों को कहते हैं। तो ऐसा बोले ना, मैं ऐवें ही कई दिनों से गांव बेचने वाले को ढूंढ रहा हूँ। वजीर आला साहब, आपने तो गिरा फरोशों का जिक्र ही नहीं किया था, गांव बेचने वालों को पकड़ने का कहते रहे। तो ग्राम फरोशों को पकड़ना था तो आप हमें पहले बताते, और हमने आधा शहर पकड़ के यहाँ ले आना था। ओहो, आधा शहर पकड़ने की क्या जरूरत है, ग्राम फरोशों के मास्टरमाइंड को पकड़ के ले आओ। जाओ जाओ। चौधरी सरवर साहब, आप इंतजार करें, मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूँ। मॉर्निंग वॉक? लेकिन बुजदार साहब, ये तो शाम का वक्त है। मैं मॉर्निंग वॉक शाम के वक्त ही करता हूँ। हाँ भाई पापा, और टमाटर कैसे लगाए हैं? 120 रुपये किलो जी। ओए इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हो, ओए इतनी नजायज मुनाफाखोरी करते, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कसम ले लें जी, एक रुपया भी नजायज कमाते हो, जी जहाँ से हम लेते हैं वहाँ से ही महंगा मिलता है। ओ साहब जी, ओ इसका मतलब है ये लोग जहाँ से माल उठाते हैं वो मुनाफाखोर हैं? नहीं जी नहीं, वो भी नजायज मुनाफाखोर नहीं है, वो जहाँ से माल उठाते हैं ना उन्हें वहाँ से महंगा मिलता है। ओए, ओए, फिर असल मुजरिम कौन है बताता है या मारूं कान के नीचे एक? बताता हूँ जी बताता हूँ, असल मुजरिम कौन है, चले मेरे साथ में आपको लेके चलता हूँ। आगे लग बाबा, चल आगे लग, दुकान पे किसी को छोड़। अबे तू छाड़ दुकान पे, चल आगे लग। यहाँ खड़ा, यहाँ खड़ा। चौधरी सरवर साहब, हमने मुनाफाखोरों का मास्टरमाइंड पकड़ लिया जनाब। अरे तुम हो नजायज मुनाफाखोर? नहीं जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, असल मुनाफाखोर ये है। इन लोगों की वजह से महंगाई हुई है, डॉलर पेट्रोल बिजली गैस टैक्स भरते हैं ना जी, तो हर चीज महंगी हो जाती है, इसका जिम्मेदार ये और इसके साथी है। बुलाएं बुजदार साहब को, कहाँ है वो? मैं यहाँ हूँ। ये बुजदार साहब कहाँ से बोल रहे हैं? आप जी माफ कर दे, हमने सामने से देखा नहीं था जी, माफ कर दे जनाब। मैं असल मुजरिम नहीं, महंगाई मरकजी हुकूमत ने की है, पकड़ना है तो वजीर आजम साहब को पकड़े। ओ जी हमारी इतनी हिम्मत कहाँ, हमने अपनी नौकरी गंवानी है। ओए हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार तो हो सकती है, ये हुकूमत गिरा फरोशी की कैसे जिम्मेदार हो सकती है? हुकूमत एक लीटर पेट्रोल पर
36 रुपए मुनाफा यानी टैक्स ले रही है, ये गुनाह फरोशी नहीं तो और क्या है? ओए ओए मासूम वजीरे आला पे गुनाह फरोशी के इल्जाम लगाता है अमीन। ओ जी साहब अब पकड़ो इसको, ले चल थाने इसको, तो मैं बताता हूं। आइए देखते हैं कि खान साहब ने रेलवे एक्सीडेंट के बाद क्या कहा है। रेलवे के वजीर एक्सीडेंट रेलवे का हुआ, नीतीश कुमार ने रिजाइन किया। बर्तानिया में कितनी दफा हुआ है कि एक छोटा सा भी वाकया होता है रेलवे का, उनका वजीर रिजाइन कर जाता है। ओहो सियासतदान तो ऐसा बयान तब देते हैं जब वो ऑपोजिशन में होते हैं, हुकूमत में नहीं। नाजरीन कैसा लगा आपको आज का शो, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारा ईमेल एड्रेस जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। फेसबुक पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा और सर्च में टाइप कीजिएगा क्योंकि जमहूरियत है। जया को दीजिएगा इजाजत क्योंकि जमहूरियत है। हमारे दोबारा करा हमारे दरबार में पहले फरियादी का इस्तकबाल किया गया। गांव बेचने वाले पकड़ने, इसका मतलब तो ये कि आपकी सारी की सारी जद्दोजहद वजारत पंजाब से। मेरी मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक। ओ मक्तूम के भाई को 50 लाख रुपया देकर केस वापस दिलवाया, अटक करवाया। असल में 10 साल मुसलसल रात कम कर रोजगार का मौका दे, रोजगार का क्या हम हलवे पर बैठी हुई सारी हलवे पर बैठी हुई है। मैं कौन सा अपनी मर्जी से बीमार हुआ हूँ, अब मुझे तो आज पता चला है कि बीमार हूँ ना कितनी शर्म।